अदब जी से आग्रह, रामायण पर उंगली उठाना, इस्लाम पर उंगली उठाना, कभी दलित विचारधारा पर उंगली उठाना, रहा न कुल में रोवन हारा। आप आए तो न विशेष रात पर बात किए, न विशेष पैकेज पर बात किए। नीतीश किसी की सुनने उनने वाले नहीं है, गलतफहमी में ना रहिएगा। अमित शाह जी का रैली फ्लॉप, अमित शाह जी का बिहार आना जनता के साथ सिर्फ बार्गेनिंग करना, ठगना, मिथिला कोसी सीमांचल को अपमानित किया अमित शाह जी ने, बिना किसी चीजों के, न तो सहरसा एम्स की बात की, न दरभंगा एम्स की बात की। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। पप्पू यादव ने लालू यादव को एक नसीहत दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लालू यादव से हम आग्रह करते हैं कि उनके जो मंत्री हैं या फिर उनके जो नेता हैं वो किसी धर्म या किसी ग्रंथ, यानी कि रामायण बाइबल हो या गीता है, महाभारत है, जो भी ग्रंथ है, इस पर टीका टिप्पणी करना बंद करें। उसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि जिस प्रकार से अमित शाह की रैली जो हुई थी मिथिलांचल में, सीधे तरह से बताएं तो वो फ्लॉप है। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से सहरसा एम्स की बात करनी चाहिए थी या फिर दरभंगा एम्स की बात करनी चाहिए थी, उन्होंने एकदम ही उन सब चीज़ों से परे रहा और एक बार भी जिक्र तक नहीं किया। क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, पहले उनकी बातों को सुनिए। लालू यादव जी से आग्रह, राम हो या कृष्ण, अल्लाह हो या ईश्वर, वाल्मीकि हो या संत रविदास, हर आदमी की अपनी आस्था है। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा रवि रामायण पर उंगली उठाना, कभी इस्लाम पर उंगली उठाना, कभी दलित विचारधारा पर उंगली उठाना, यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से सही नहीं है। रामायण सेनाइट है या क्या, यह मेरा बहुत क्लियर है, चाहे वो गीता हो या कुरान, बाइबिल हो या रामायण, यह आस्था की चीज है। मानो तो देव ना तो पत्थर, तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी आंतरिक चीज है, लेकिन चाहे वो गीता कुरान बाइबिल रामायण पर किसी को भी गाली गलौज जो टिप्पणी करने का राइट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं की चीज है। मैं आग्रह करूंगा ऐसे चीजों से राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। विचार रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कोई आदमी कुरान को कह देता है कि ये आतंकवादी पैदा करने का जरिया है, कोई रामायण को कह देता है कुछ, कोई मनुस्मृति की बात करने लगता है। हजार साल बाद हमें वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए सरकार को। जैसे अमित शाह जी आए, भारत और मिट्टी कोई बात नहीं, सहरसा और दरभंगा के एम्स का चर्चा नहीं किया, बाढ़ से मुक्ति की बात नहीं की, कोसी सीमांचल के विशेष स्टेटस की बात नहीं किया, मक्का और मखान की बात नहीं किया, झंझारपुर के बगल में मधेपुर दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री और मधुबनी की तीनों चीनी मिल खुलने की बात नहीं किया। सामने पेपर की बात नहीं किया, दरभंगा का पेपर मिल की बात नहीं किया। अरे अमित जी, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा। आप मधुबनी का तीनों चीनी मिल, मधेपुर की दूध की फैक्ट्री, दरभंगा का पेपर मिल और सीमांचल और कोसी को बाढ़ से मुक्ति कर दीजिए। बारे बार सब लगे हैं मनु स्मृति या रामायण की कथा पढ़ने में, कुरान को बाइबिल या दलित को गाली देने में। इसीलिए मेरा आग्रह है मंत्री जी, आप सर्वोच्च हैं, आपसे ऊपर के पाठक नहीं है, के पाठक को राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का।
ये बिहार सरकार इसकी इजाजत नहीं देता है। जो हमारा धारा है, कानून है कि कोई सेक्रेटरी मंत्री के रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लगातार मंत्री का अपमान का मतलब है सरकार का अपमान। यदि आपको के पाठक जी और यह विभाग लगातार टॉर्चर कर रहा और नहीं चल रहा है, आज जरूरत है बिहार में हर कॉलेज में 1500 पर एक सीट, एक टीचर एक प्रोफेसर है, उसको बढ़ाइए, दूसरा रूम करिए। मनुस्मृति 1000 साल पहले, अब आज है वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ और वन जॉब। जो काम अमित शाह करके जाएंगे वही काम हमारी सरकार का भी कोई विभाग करे, या सही नहीं है? हमारी पार्टी किसी भी धर्म के आस्था को मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। किसी भी दलित हो या किसी भी विचारधारा के साथ खड़ा है। किसी भी विचारधारा को चैलेंज करने वाले व्यक्ति की दुकान चल सकती है। समाज को, जाति को ठेस पहुंचाने की इजाजत हमारी पार्टी नहीं देती है। बस मेरा सिर्फ ये आग्रह है, अमित जी रहा न कुल में रोवन हारा, आप आए तो ना विशेष राज पर बात किए, ना विशेष पैकेज पर बात किए, ना कोसी सीमांचल मिथिलांचल के स्टेटस पे बात किए, ना आप मधुबनी के तीनों चीनी मिल खुलवाने पर बात किए। आप मधेपुर के बगल में थे ना, उस दूध फैक्ट्री को खुलवाने पर बात किए। गुजरात की वही दूध फैक्ट्री एक ही साथ खुली थी, उसे गुजरात बना लिए और बिहार को बंद कर दिए। और पेपर मिल जो दरभंगा का सबसे ऐतिहासिक है, उस पर बात नहीं किए। आप जोगबनी गए, बाढ़ मुक्ति की बात नहीं किए, मकान और मक्का की बात नहीं किए। आपको यहां आकर के घुसपैठी, और लालू यादव जी, नीतीश कुमार 17 साल आपके साथ था, आपका चला। नीतीश के रहते किसी का नहीं चलता है, नीतीश सम्मान करते हैं, नीतीश किसी की सुनने उनने वाले नहीं है, गलतफहमी में ना रहिएगा। जब बीजेपी डबल इंजन की सरकार का नहीं चला और आप मजबूर हो गए कम सीट देने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का, तो ना लालू यादव जी इंटरफेयर करते हैं और ना नीतीश कुमार किसी से चलते हैं। इसीलिए ऐसी बात आप दुकान चलाने के लिए बोल देना, अमित शाह जी का रैली फ्लॉप, अमित शाह जी का बिहार आना जनता के साथ सिर्फ बार्गेनिंग करना, ठगना, मिथिला कोसी सीमांचल को अपमानित किया अमित शाह जी ने बिना किसी चीजों के। ना तो सहरसा एम्स की बात की, ना दरभंगा एम्स की बात की। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उन्होंने कह दिया है कि जिस प्रकार से लालू यादव के जो नेता हैं, जो राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो किसी धर्म के बारे में या किसी ग्रंथ के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, या कहीं से भी उचित नहीं है। मैं उनको नसीहत देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से वो बचे। उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार जो हैं अब जेपी की राहों पर चल चुके हैं, वो महान हैं, उनको अब इन चीज़ों से लेने देने की बात नहीं। वो लोग पीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पीएम करने भी की जो जिक्र है वो नहीं कर रहे हैं, वो जेपी के रास्तों पर चल चुके हैं। उसके बाद उन्होंने अमित शाह को लेकर भी साफ तौर पे आपने सुनाई कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सैटरडे लाइव। नमस्कार।